सिद्धांत ने एक नया बिजनेस खोला है, वैसे सिद्धांत सिद्धांत नहीं रहा, उसने एक नया बिजनेस खोला है। वो आजकल बहुत अश्लील टाइप का बंदा हो गया था, पहले बहुत सुशील था और अभी वो रेप करने की तैयारी में है। आई लव देखिए आज बोनी होने वाली है। एक्चुअली मेरे लाइफ का पहला रेप है तो आई एम वेरी नर्वस। इनका आप तो बड़े एक्सपीरियंस है रेप के मामले में। हाँ, तीन चार सीन्स ऐसा पहले अटेम्प्ट कर चुकी हूँ रेप के मामले में, नहीं तीन चार अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिर कोई ना कोई आके मुझे बचा लेता है। ओह शिट, एग्जैक्टली बोलो। लेकिन आप ज्यादा एक्सपीरियंस कुछ करो। देखो आप सीनियर हो रेप के मामले में, प्लीज मदद कर देना। एग्जैक्ट ऑब्वियसली ये तो आपने डिबेट वाला क्वेश्चन छेड़ दिया। ये तो डिबेट वाला अरे सीन में भी नहीं नहीं इन्होंने बहुत सपोर्ट करी है, मुझे बिस्किट दिए, बोला पहले बिस्किट खा, रेप ढंग से करना, शर्माना मत, बिल्कुल बेहोश बेहोश ना हो जाना। ताली दे, ताली वेस्ट नहीं करते। हां मैं अपनी रियल जिंदगी में भी शराब नहीं पीता, तो ये पूरा एक्टिंग एक्टिंग ही था। तो और इट्स डिफिकल्ट बट इट्स फन, और आई बिलीव कहीं ना कहीं यू नो हर एक एक्टर जो बड़ा हुआ है पिछले 50 साल में, वो मिस्टर बच्चन को, वो हमेशा मिस्टर बच्चन को देख के आता है, तो कहीं ना कहीं उनके फिल्म्स का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कि शराबी ऐसा होता है। अभी एक्चुअल में बाहर जाके अगर शराबी देखना शुरू करो, कोई ऐसा एक्टिंग नहीं करता, गिरे पड़े रहते हैं गटर वटर में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, या फिर उल्टियाँ कर रहे होते, ऐसी एक्टिंग कोई नहीं करता। इट्स बेसिकली अ लिटिल टिंच ऑफ मिस्टर बच्चन यार इन दैट। ये नीचे नीचे रूम में मैं बिस्किट पकड़ लेती हूँ। हाँ आप परफॉर्म कीजिए। खुश तो बहुत हो गए तो। नहीं, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। और बिस्किट खाने से रेप के लिए ताकत आती है।